आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वाह शहर में विकास यात्रा के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में हुए भूमि पूजन। लगभग 80 लाख रुपए के कार्यों का हुआ नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में भूमि पूजन। आज बड़वाह शहर के विभिन्न वार्डों में भूमि पूजन हुए। भूमि पूजन की शुरुआत नगर के वार्ड नंबर 18 से हुई, जहां कांजी हाउस के निर्माण कार्य को लेकर भूमि पूजन हुआ। पिछले कुछ सालों में ही नगर में कांजी हाउस के निर्माण को लेकर प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अब जाकर कांजी हाउस का कार्य शुरू हुआ। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि हमारे विकास कार्यों के पूजन की शुरुआत कांजी हाउस के पूजन से हुई। उन्होंने कहा कि कांजी हाउस के निर्माण में शहर में निराश्रित घूम रही गौमाताओं को यहाँ रखने की व्यवस्था होगी, तथा जो गोपालक अपने पशुओं का दूध निकालकर रोड पर छोड़ देते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस कांजी हाउस में गौमाताओं को लाकर उनकी देखरेख भी की जाएगी। इस कांजी हाउस की लागत लगभग 17 लाख रुपए है। इस दौरान नगरपालिका सीएमओ कुशल डुडुबे ने कहा, आज भूमि पूजन की शुरुआत बहुत ही अच्छे काम से हुई। यहाँ निराश्रित घूम रही गौमाताओं को रखा जाएगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। नगरपालिका अध्यक्ष ने शहर के गौ भक्तों से आग्रह किया कि अगर वो भी इस नेक काम में आगे आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। इस दौरान भाजपा जिला मंत्री श्री महीम ठाकुर और श्री सुरेंद्र पंड्या ने भी अपने विचार रखे, तथा इसके बाद गोपाल मंदिर के पास सुलभ शौचालय के निर्माण, जिसकी लागत लगभग 12,60,000 रुपए है, का भूमि पूजन किया। इसके बाद वार्ड नंबर 13 आदर्श कॉलोनी में स्थित बाउंड्री वॉल, जिसकी लागत 11,50,000 रुपए है, उसका भूमि पूजन हुआ। अंत में नगरपालिका परिसर की बाउंड्री वॉल तथा टीन शेड, जिसकी लागत 27 लाख रुपए है, उसका भूमि पूजन हुआ। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सीएमओ कुशल सिंह डूडवे, वार्ड नंबर 18 के पार्षद श्रीमती सोनल विनय महाजन, वार्ड 13 के पार्षद बबलू चौरसिया, पार्षद अनिल कानूनगो, पार्षद रूप सिंह रावत, वार्ड 2 के पार्षद प्रतिनिधि, नगरपालिका इंजीनियर एडवोकेट प्रणय गौशिंदे, माहिम ठाकुर, सुरेंद्र पंड्या आदि शहर के समाज सेवक और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। भूमि पूजन हुआ है आज जो है बड़वाह शहर में, जिस विकास यात्रा का हम जिम्मेदारी लेकर आए हैं, वादा करके आए हैं, उसके आज धरातल पर शुरुआत हुई। क्योंकि हमारे बड़े कार्यक्रम में माननीय कैलाश जी जब आए थे तो उन्होंने कई चीज़ों का जो है यहाँ पर शिलान्यास किया था, लेकिन उस समय सब एक ही स्थान पर हो गया था। और चूँकि कार्य वर्क ऑर्डर वगैरह में कुछ समय लगा, इसलिए वर्क ऑर्डर होने के बाद में आज विधिवत स्थानों पर जाकर, जहाँ जिस स्थान पर जो काम होना है वहाँ स्थानों पर जाकर आज वहाँ के लोकल लोगों के साथ में, वार्ड पार्षदों के साथ में और स्थानीय जो जिम्मेदार नागरिक लोग हैं उनके साथ में हमने भूमि पूजन किया। और हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है, सुखद संयोग की बात है कि इन सब कार्यों की शुरुआत एक गो सेवा के कार्य से हुई। और वार्ड क्रमांक 18 में रोली मोहल्ले में, जहाँ पूर्व में कांजी हाउस हुआ करता था, वहाँ पर आज जो है वो श्री नारायण गो सेवा केंद्र का भूमि पूजन हुआ, जिसके विषय में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व में कांजी हाउस हुआ करते थे, जहाँ पर गायों को, हमारे पशुओं को एक तरह से कैद करके रखा जाता था। हमारी बहुत ही संवेदनशील सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, इसमें एक बड़ा परिवर्तन किया कि अब हम जो है उसको कांजी हाउस नहीं बनाते हुए गो सेवा का केंद्र बनाएंगे, क्योंकि उन गायों का या उन पशुओं का कोई दोष नहीं है जो शहर में हमारा फिर है। एक्चुअल में दोष जो है गो पालकों का है, जो गो पालक गायों का दूध निकालने के बाद में और पन्नियाँ खाने के लिए, कचरा खाने के लिए छोड़ दिया करते हैं, उनको एक तरह से हमको सबक सिखाना है। तो हम उनके जो मवेशी हैं, जो उनके गोवंश हैं, इस तरह से जहाँ भी घूमते हुए पाए जाएंगे उनको ले जाकर और वहाँ पर चेक करने की बजाय उनकी सेवा करेंगे अच्छे से। जितना हमसे हो सकेगा उतना हम भी करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि शहर के भी कुछ जागरूक लोगों की जो गो सेवा करना चाहते हैं उनकी एक समिति बना दी जाए और उनके माध्यम से गायों की अच्छी से अच्छी एक बेहतर सेवा वहाँ पर हो सके। इसी निमित्त से आज जो है वो गो सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया है वार्ड क्रमांक 18 में। साथ ही एक जो वार्ड नंबर 7 में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना था, लेकिन चूंकि पार्षद की इच्छा वहाँ पर कुछ और कार्य करने की थी, इसलिए हमने PIC के माध्यम से स्थान परिवर्तन करके गोपाल मंदिर के पास में उस कॉम्प्लेक्स को परिवर्तित किया है, जिससे कि जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे शहर में जो बाहर से परिक्रमावासी आते हैं उनके जो है वो ठहरने की व्यवस्था तो गोपाल मंदिर में भी हो जाती है, कम्युनिटी हॉल में भी हो जाती है, लेकिन उतने सुविधाजनक और स्वच्छ शौचालय उनके लिए उपलब्ध नहीं था। इसलिए बहुत ही अच्छा आधुनिक तरीके का साफ़ सुथरा पूरी सुविधा सहित जो है वो वहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भी आज भूमि पूजन होगा। इसके साथ ही आदर्श नगर में पूजन होगा। इसके साथ ही आदर्श नगर में वार्ड क्रमांक 13 में मंदिर की बाउंड्री वाल का ये भी हम लोग भूमि पूजन करके आ रहे हैं। और आज आखिरी कार्यक्रम के रूप में नगर पालिका में
एक शेड का और बाउंड्री वाल का भूमि पूजन होना, इस तरह से लगभग 80 लाख के निर्माण कार्यों का धरातल पर शुरुआत हुई। जिस तरह से ठेकेदारों से चर्चा हुई तो लगभग कल से ही ये सब कार्य प्रारंभ हो जाए और आने वाले 2-3 महीनों में ये कार्य कंप्लीट भी कर दिया जाएगा, ऐसा हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स का कहना है। यहाँ पर भी जो हम नगर पालिका में शेड बना रहे हैं उसका भी एक मुख्य उद्देश्य कि हमारे जैसे शहर के गणेश उत्सव के कार्यक्रम और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हर साल यहाँ पर एक डोम बनाना पड़ता है और 2-3 लाख रुपये का खर्चा समिति को, क्योंकि वो भी पैसा शहर के लोगों का होता है, इसलिए हम एक परमानेंट शेड बनाना चाह रहे हैं जिसमें इस तरह के कार्यक्रम निर्बाध रूप से होता रहे, मौसम की समस्या नहीं रहे, बारिश धूप सभी से बचाव हो, तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी हो जाएगी और एक इस तरह का शेड बन जाएगा जिसमें हम लोग हमेशा अपने सभी कार्यक्रम क्या करेंगे और शहर के लोगों को भी जो है वो बहुत ही नॉमिनल रेंट पर ये सब उपलब्ध हो सके। इस तरह से आज बलवा शहर में विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास हुआ है और आप सब लोगों के माध्यम से हम फिर से शहर को इस बात के लिए अपना एश्योरेंस फिर से दोहरा रहे, अपना कमिटमेंट दोहराना चाहते हैं कि जो शहर के लोगों ने बलवा के लोगों ने हमारे से अपेक्षा की है उससे बेहतर करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारे परिषद के सभी साथी इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए मैं अपने सभी पार्षद साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ, साथ ही स्टाफ का भी जो इसमें लगातार लगा हुआ है और आज